बता दें घटना फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज के कोरारा रोड पर अमर कोल्ड के समीप की बताई जा रही है, जहां शुक्रवार की रात्रि को सिरसागंज थाने पर ड्यूटी करने आ रहे पीआरडी जवान की बाइक में एक लोडर मैक्स गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी बाइक असंतुलित होकर ई रिक्शा से टकरा गई और ई रिक्शा पर सवार एक महिला सहित दो लोग घायल हो गए। इस हादसे में घायल तीनों लोगों को आनंद फानंद में सिरसागंज सीएससी लाया गया, जहां पर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल हुए विशाल पुत्र राजेश उम्र करीब 15 वर्ष निवासी तिलियानी को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य घायल में पीआरडी जवान नारायण कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी तिलियानी एवं महिला सुमन का उपचार कर भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। फिरोजाबाद से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। क्या मामला हुआ है? मोटरसाइकिल में तो वो मोटरसाइकिल कहाँ की थी, पकड़ गई मोटरसाइकिल, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मोटरसाइकिल चले आने की गया लला। आपने पहचान लिया है? अब बैठे लला। मामला है, क्या दुर्घटना हुई, पुलिस वाला घायल हुआ है, एक आदमी की अस्पताल मौत हुई है, क्या मामला है? ये एक्सीडेंट का केस था, इसमें तीन लोग इंजर्ड हुए हैं, एक की मौके पर ही मौत हो गई, ब्रॉड डेड आया था यहाँ पर, उसको मैंने देखा, उसको डेड डिक्लेयर घोषित किया और दो लोगों को प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको ट्रीटमेंट दे के जो क्या क्या नाम है और जो एक्सपायर हुआ उसका नाम? एक्सपायर जो हुआ है उसका नाम विशाल है, विशाल सनोप राजेश, जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, ये तिलियानी का रहने वाला है। और जो दूसरा घायल हुआ है वो कौन है? ये पीआरडी का जो है जवान है, जिसका नाम है नारायण कुमार और सनोप अशोक कुमार, ये भी तिलियानी का ही है, रहने वाला है, इसको हेड इंजरी है और हाथ पैरों में भी फुलचट है। और दूसरी एक लेडीज है जिसका नाम है सुमन, तो उसको भी पैर के उंगली में चोट आई है केवल। ये तो बताया जा रहा है कि भाई एक जो है ई रिक्शा है, एक बाइक है और एक जो है जो बैंड बाजों वाले ले जाते हैं उसके वाहन, हाँ वो वाले बताया जा रहा है, मैंने तो देखा नहीं हूँ।